सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बिजली विभाग के गोदाम में हुई गार्डों के साथ मारपीट व लूट का पुलिस अधीक्षक ने किया सफल अनावरण। बदमाशों का गिरोह पकड़ा गया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना दनहार का है। थाना दनहार क्षेत्र के ग्राम लालपुर में बीते दिनों करीब एक दर्जन बदमाशों ने बिजली गोदाम में घुसकर गार्डों के साथ मारपीट कर उनको घायल कर दिया था और मौके से गार्डों के पास से राइफल व बंदूकें छीन ली थी और मौके से बदमाश फरार हो गए थे। घटना की सूचना पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी व थाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है। अलवर गैंग के 16 बदमाशों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख के माल को बरामद किया है और बताया कि ये बदमाश सातिर किस्म के है। इनके खिलाफ पहले भी कई थानों में मुकदमा पंजीकृत है। जिनके कब्जे से लूटे गए बदमाशों के पास से पुलिस ने पिस्टल व एक कार भी बरामद किए हैं। मैनपुरी से हरिओम चौहान की रिपोर्ट। देखिए 5/6 जनवरी की रात में आप लोग को याद होगा कि एक घटना हुई थी, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपनी का UPPTCL का रेंटेड गोडाउन है, जिसमें कि 4 गार्डों को बंधक बनाकर उनके 3 लाइसेंसी असलहे ले जाने की बात थी एवं अन्य भी बातें थी कि उनका सामान गया है। इसमें जो CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई थी और 4थी टीम दनहार पुलिस की लगी हुई थी। इसमें कुछ वाइटल क्लूज हमें CCTV फुटेज के माध्यम से मिले थे। इसी कारण जनपदीय पुलिस एक CCTV जो गांव के बाहर इत्यादि की जगहें हैं वहां पर CCTV लगवाने का अभियान भी चला रहे हैं। इसीलिए जो वाइटल क्लूज मिले और उसके आधार पर इस गाड़ी का रूट ट्रेस किया गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कुछ मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से और कुछ पुरानी घटनाओं का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस था उसके हिसाब से जब मैच किया गया तो एक ये गैंग वर्कआउट हुआ, जिसका विस्तार अलवर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। उस गैंग को जब वर्कआउट किया गया और उस पर जब काम किया गया तो इनके द्वारा 2 घटनाएं करना कबूल किया गया है, एक ये है और एक पहले की है। उसके अलावा भी जहां जहां इनकी लोकेशन रही है वहां के आधार पर घटनाएं पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें टोटल रिकवरी जो 3 असलहे गए थे और जो गाड़ी घटना में शामिल थी और जो छोटी गाड़ी जिससे कि गैंग लीडर्स आए थे और एक कैंटर जो इस गैंग के पास था और जो सामान गया था लगभग 10 लाख रुपए का, वो सारा रिकवर किया गया है। 16 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए जाने बाकी हैं। जो 3 मुलजिम हैं उसमें से 2 मुलजिम मुख्य बताए जा रहे हैं, उन पर इनाम घोषित किया जाएगा और जो भी आवश्यक सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की है तो हो सकती है वो की जाएगी।